तो बड़ी खबर अतीक अहमद से ही जुड़ी है। लगातार दिक्कतें अतीक अहमद की हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद पेश होगा। अतीक के गुर्गों के घर पर भी छापेमारी से जुड़ी खबर मिल रही है। रेड हुई है और इस रेड में कई चीजें हाथ लगी हैं, कई दस्तावेज हैं जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। अकाउंटेंट और वकील समेत कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। बजहा में गुलफुल प्रधान के घर पर छापेमारी हुई है। आधा दर्जन लोगों के घरों पर छापेमारी की गई। करोड़ों के अवैध साम्राज्य पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और ये बड़ा संदेश उन सभी माफियाओं के लिए, उनके गुर्गों के लिए जो लगातार अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिट्टी में मिला दिया गया पूरा परिवार। यूपी पहुंचा अतीक का काफिला। अभी अब से थोड़ी देर में अतीक अहमद भी पहुंच जाएगा और अशरफ की भी दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अशरफ जो अपहरण मामले में कहीं ना कहीं दोषमुक्त पाया गया था, कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कहा था, वो बच गया था, लेकिन अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अतीक अहमद की बीवी शायस्ता परवीन भी सवालों के घेरे में है। शूटर्स के साथ मिलना और उन्हें आगे की रणनीति के लिए मदद करना, हथियार मुहैया कराना, ये पूरी रणनीति दरअसल अतीक अहमद की पत्नी की थी। अतीक अहमद की सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी बहन, उनका जीजा, उनके दोनों बेटे लगातार इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। और आपको बता दें, अतीक अहमद की तो मुश्किल तब बढ़ी जब हत्याकांड में अतीक अहमद आरोपी पाया गया। अब आज सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी और ईडी इस कार्रवाई से अतीक के गुर्गों में जरूर हड़कंप मच गया है। तो ईडी ने यह कार्रवाई की है, यहां तक कि अकाउंटेंट और वकील के घर पर भी रेड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने की है। और आपसे थोड़ी देर में सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी माफिया डॉन अतीक अहमद की, जो साबरमती जेल से लाया जा रहा है। तो अतीक अहमद पार्ट टू भारत एक्सप्रेस पर एक एक तस्वीर आपके सामने। अकाउंटेंट और वकील के घर पर छापेमारी हुई, प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जो गुर्गे अतीक अहमद के, जिन जिन के नाम के खुलासे हुए हैं, उनके आवास पर भी कार्रवाई ईडी ने की है। वहीं बरेली जेल से अशरफ को लेकर पुलिस रवाना हो गई है। जेल से अशरफ को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। कस्टडी रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की भी अहम भूमिका रही है। तो जेल से अशरफ, जो अतीक अहमद का छोटा भाई है, उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। कस्टडी रिमांड में लेने के लिए आज दरख्वास्त कोर्ट के सामने की जाएगी। आज पेशी होनी है अशरफ की भी। बरेली जेल से अशरफ को लेकर रवाना हो गई है पुलिस की टीम। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद भी कभी पहुंच जाएगा और साथ ही अशरफ भी प्रयागराज कभी भी पहुंचेगा और आज दोनों की पेशी होनी है। अभिषेक पांडे लाइव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या अपडेट और मिल पा रहा है? कितनी देर में पहुंचेगा माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ज्योत्सना, मैं बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब अतीक अहमद और प्रयागराज पुलिस का काफिला जो है वो दौड़ रहा है। करीब 300 किलोमीटर का सफर जो है वो अभी बाकी है। शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास अतीक अहमद और प्रयागराज पुलिस का काफिला पहुंच सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात ये हुई है ज्योत्सना की, नैनी जेल के भीतर शिवहरी मीना, जिनको बाकायदा एडीजी जेल ने अपॉइंट किया था कि जेल के भीतर जाकर के आप निरीक्षण करें और अगर किसी भी तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि आपने देखा था कि पिछली बार हमने देखा कि 15 चम्मच से बनाए गए चाकू, लाइटर, ये तमाम ऐसी आपत्तिजनक चीजें नैनी जेल के भीतर से बरामद की गई थी। और उसी के मद्देनजर बकायदा आईपीएस ऑफिसर्स की एक टीम गठित की गई है। प्रदेश के 10 जेलों को चिन्हित किया गया है, वहां पर सभी आईपीएस अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट जोशना इसमें यह भी है कि ईडी भी अब लगातार छापेमारी कर रही है। अतीक अहमद के वकील, उनके अकाउंटेंट और तमाम करीबियों पर भी अब ईडी लगातार अपना शिकंजा कस रही है। प्रयागराज के करेली, कालिंदीपुरम, धूमनगंज, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ईडी जो है वो गहन छापेमारी कर रही है, क्योंकि ईडी पर पहले ही अतीक अहमद पर ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। करीब मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला था, क्योंकि फूलपुर में जमीन थी 8 करोड़ की, उसको अतीक अहमद ने 4 करोड़ में खरीदा था। तो ईडी भी लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नैनी जेल के भीतर भी हरकतें काफी तेज हो गई। बिल्कुल, और जिस प्रॉपर्टी का जिक्र अभिषेक पांडे कर रहे हैं, जो फैला हुआ साम्राज्य अतीक अहमद का या उसके गुर्गों का है, उस पर दरअसल गहरी चोट की जा रही है। ये कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम की तरफ से, अकाउंटेंट और वकील आप बता रहे हैं, और साथ ही जितने भी गुर्गे हैं अभिषेक पांडे अतीक अहमद पर, अमित अतीक अहमद के, सब पर ये कार्रवाई हो रही है। अभी आप अगर मुझे बता सकें, अकाउंटेंट और वकील के अलावा और कौन कौन करीबी हैं जिनके यहाँ कार्रवाई हुई है?
जी बिल्कुल, ज्योत्सना अकाउंटेंट का नाम खुले तौर पर आ रहा है। इसके अलावा वकील जो कि सजा याफ्ता वकील है हनीफ, जिनको बकायदा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनके घर पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अतीक के गुर्गे जितने भी प्रयागराज या कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं उनके घर पर भी ईडी लगातार एक साथ छापेमारी कर रही है, जिससे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी तमाम चीजें हैं उससे बचा ना जा सके। इसलिए एक साथ इसी ट्रेंड में ईडी हमेशा छापेमारी करती है और प्रयागराज में अब तमाम अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। इसमें कालिंदीपुरम, करेली, धूमनगंज ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। लेकिन जो दो से तीन लोगों का बड़ा नाम सामने आया है उनमें वकील और अकाउंटेंट का आ रहा है, और जो अकाउंटेंट है वो काफी पुराना है, लक्ष्मीकांत शुक्ला उसका नाम बताया जा रहा है, और उसके घर पर भी लगातार छापेमारी की जा रही, भारी फोर्स वहां पर मौजूद है। ज्योत्सना, ठीक है, तो प्रयागराज की अदालत में पेश करना है आज अतीक अहमद को, और साथ ही उसके भाई की पेशी भी आज होगी रिमांड के लिए, अशरफ जिसका नाम है। और देखिए, पुराने ही रूट से अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। हमने पिछली बार देखा था किस तरह की बातें अतीक अहमद कर रहा था अभिषेक। अतीक अहमद कह रहा था दरअसल पेशी को हथियार बनाया जा रहा है, पेशी को हथियार बनाया जा रहा है, दरअसल ये साजिश है पूरी मुझे खत्म कर देने की, मुझे प्रताड़ित करने की। लेकिन हमने देखा पिछली बार भी सुरक्षा के बीचों बीच एकदम सही सलामत पहुंचा प्रयागराज अतीक अहमद, और अभी भी उसी रूट से अतीक अहमद लाया जा रहा है। क्या कोई प्रतिक्रिया दोबारा से अतीक अहमद के सामने आई? देखिए, अतीक अहमद साफ तौर पर यूपी पुलिस की नियत पर सवाल उठाता हुआ नजर पिछले बार भी आया था। जैसे ही वो साबरमती जेल से बाहर आता है उसने कहा कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, और जैसे ही यूपी बॉर्डर में दाखिल होता है तब कहता है काहे का डर। दो रूप देखने को अतीक अहमद के मिले थे, लेकिन इस बार जब मीडिया से बातचीत किया अतीक अहमद ने राजस्थान प्रदेश के भीतर, तो उसने कहा कि माफियाओं को तो पहले ही मिट्टी में मिला दिया गया है, योगी सरकार ने कर दिया है, अब उसको रगड़ा जा रहा है, माफियाओं को रगड़ा जा रहा है, इस तरह की बातें अतीक अहमद कह रहा है। उसने कहा है कि मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया है। लेकिन अतीक अहमद ये भूल गया कि जिसके ऊपर करीब 102 मुकदमे हैं और पूरे प्रयागराज नहीं पूरे यूपी में उसका आतंक था। अब जब उसकी बारी आई है तो वो थर थर कांपता हुआ खौफजदा नजर आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी साफ, जेस्चर पोस्चर से भी साफ है कि वो खौफजदा है, और बार बार मीडिया के सामने, पब्लिक डोमेन के सामने इस तरह की बात करके एक तरह से वो खुद को महफूज और सुरक्षित ही करना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ ने भी एक तरफ डर अतीक अहमद का, दूसरी तरफ अतीक अहमद अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहरहाल अभिषेक, नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। अभी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।